हम जानेंगे पिरामल फार्मा शेयर को लेकर, काफी बड़ी न्यूज आ रही है। बताइए। नमस्कार सर। सर जी, मेरे पास पिरामल फार्मा के 1500 शेयर है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट का नजरिया है 1 साल का, तो क्या कर सकते हैं? पिरामल फार्मा 115 में बताया ना आपने, 115-70? हाँ, 115। सरवेन जी, ये भी बहुत नुकसान किया इसने हमारे निवेशकों का। 115-70 पे उन्होंने लिया है और अभी भी बहुत नीचे है। 1500 शेयर है इनके पास, 92 रुपये अब गया, अभी बहुत ही समाचार बहुत नीचे गया था, 60-70 रुपये तक गया था क्या, ये चढ़ के आया अभी थोड़ा, ये क्या करें बताइए जी। देखिए, यहाँ पे बात वही है कि जैसे अभी हमने चर्चा की कि इस तरह के स्टॉक जिसके पास रह गए हैं उसको 2.5 साल की रैली में कुछ भी गेन नहीं हुए हैं, और इनफैक्ट अब यहाँ पे आप हम देख रहे हैं कि बहुत सारा लॉसेस है। तो ये तकरीबन 50% एक यूनिवर्स ऐसा है। अब उसमें ये स्टॉक है अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक है, अब ये इतनी देर इसमें क्यों खड़े रहे, इसका जस्टिफिकेशन तो यही देंगे। बट अब फिलहाल अब मैं देखूं जहां से मुझे डेटा दिख रहा है, 2022 से आई थिंक कुछ स्प्लिट में निकला है बाहर, और जहां से मुझे डेटा दिख रहा है वहां से तो अब तो ऐसा लग रहा है कि चलो एक उछाल, एक डिसेंट उछाल चल रहा है जो इसको अपने लंबी अवधि के एवरेजेस की तरफ लेके जाएगा, और वो तकरीबन 110-111 के आसपास ही आ रहे हैं। तो इनके भाव के आसपास थोड़ा पहुंचेगा उस समय मेरे हिसाब से डेफिनेटली एक बार राय ले लें, और हो सके तो निकल के पैसे का कहीं और अच्छी जगह उपयोग करें। आई थिंक फिलहाल इसकी क्वालिटी या स्टॉक मुझे टेक्निकली उतना अपील नहीं कर रहा है, डेटा भी कम है, प्लस जितना दिख रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म उसमें भी मुझे अपील नहीं कर रहा है कि मैं यहाँ पे इनको बोलूँ कि बने रहें, तो उछालों में निकलने की राय है। अमल एंटरप्राइजेस से अलग होके आया था और बड़ी हाइप थी इसकी कि चलेगा चलेगा, और इसने 28 मार्च को 63.95 रुपये में से लो बनाया है, वहाँ से चला, उसके बाद नंबर थोड़े से ठीक आए थे, और चूंकि बिल्कुल अंडर ओन्ड स्टॉक था तो इसलिए वहाँ से थोड़ा मोमेंटम बना है, अभी चार्ट धीरे धीरे बनता हुआ दिख रहा है। तो इसमें आप होल्ड करिए प्रवीण जी, जैसा कि सरवेन जी कह रहे हैं, जब ये 110-111 के आसपास पहुँचे तो एक बार दोबारा राय लीजिएगा। पैटर्न पे ऐसा लग रहा है क्योंकि इतना बिकवाली इसमें हो चुकी है, अब क्या बिकेगा ये और ज़्यादा, तो होल्ड करिए इसको। अगर 10-11 के आसपास पहुँचता है तो फिर राय लीजिएगा, और जो भी राय सरवेन जी या कोई और देगा फिर उस हिसाब से कार्यक्रम कीजिएगा। अभी फिलहाल होल्ड करिए इसको आप।